नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम शतक का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी ने तेजस विमान से भरी उड़ान, बोले अद्भुत अनुभव, स्वदेशी क्षमताओं पर बढ़ा भरोसा, लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा तेजस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरक्षा पहलुओं पर की समीक्षा बैठक, सुरक्षा कार्य योजना बनाने को लेकर दिए कड़े निर्देश। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, कहा प्रचार बंद होने के बाद फ्री स्कीम्स, जातिगत जनगणना से वोटर्स को प्रभावित किया। सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच शुरू की, कैश फॉर क्वेरी केस से जुड़ा है मामला, बीजेपी सांसद ने लोकपाल से शिकायत की थी। हरियाणा में 40,000 बुजुर्गों का पेंशन लेने से इनकार, सरकार के 100 करोड़ बचे, सीएम बोले इस राशि को सेवा आश्रम के निर्माण में देंगे। उसने अपना बेटा खोया है, तुम पब्लिसिटी कर रहे हो, शहीद कैप्टन शुभम की मां को जबरदस्ती चेक देने पर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को दी गई लैंडलाइन सुविधा, बचाव अभियान में लग सकता है लंबा समय, अगर मशीन हुई खराब। मणिपुर में उग्रवादियों ने की युवक की हत्या, गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को किया गया तैनात, सुरक्षा बलों के ने लूटे गए हथियार किए बरामद। विशाखापट्टनम में सिगरेट के बट से लगी भीषण आग, मछली पकड़ने वाली 30 से अधिक नाव जलकर खाक। इलाज सस्ता होने के बाद भी दुर्लभ बीमारियों के लिए मिलती रहेगी सरकारी सहायता, विदेशी दवाओं का दाम भी होगा कम, आयुष्मान भारत के तहत कवर किया जाएगा खर्च। तेलंगाना मंत्री केटी रामा राव को ईसी का नोटिस, सरकारी ऑफिस में चुनाव प्रचार का आरोप, जवाब नहीं दिया तो कार्रवाई होगी। हरियाणा में लगे भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.0 तीव्रता, भूकंप से किसी तरह से जनहानि की खबर नहीं है। ओटीटी की फिल्मों सीरीज पर भी सेंसरशिप, कड़े नियम बनेंगे, सरकार डिलीट कर सकती है कंटेंट, नए ब्रॉडकास्टिंग बिल का ड्राफ्ट तैयार। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू रुका, अब वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, एक्सपर्ट बोले अगर मशीन टूटी दूसरी भी नहीं आएगी, मुहाने पर पानी का रिसाव बढ़ा। पीएम मोदी के सिक्योरिटी चूक पर एक्शन, आप सरकार ने एसपी ऑपरेशन को सस्पेंड किया, फिरोजपुर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास 20 मिनट रुका था काफिला। अलीगढ़ में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में 700 जोड़ों की हुई शादी, बेटियों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है। बहराइच में डीएमएसपी ने लिया समाधान दिवस का जायजा, 9 प्रार्थना पत्र में से 2 का मौके पर निस्तारण, पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम मौके पर भेजी गई है। बहराइच में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, 2 सेल्समैन की मौत, 1 घायल, अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है। बुलंदशहर में मापतौल विभाग का लिपिक मांग रहा था रिश्वत, पुलिस ने लिपिक को गिरफ्तार करके भेजा जेल, दुजाई लाल के कब्जे में रिश्वत के 15,000 रुपए बरामद किए गए हैं।
गोंडा में रामलीला देखने गए युवक की हत्या। हत्या से इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वहीं परिजनों में तीन लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तीन वांछित अभियुक्त हुए गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के कई स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पीलीभीत में साधु टीएल वासवानी की जयंती। मांस रहित दिवस घोषित किया गया। मीट दुकानें स्वामियों ने उड़ाई धज्जियां। प्रयागराज में बारात वापसी के दौरान हर्ष फायरिंग में तीन बच्चे समेत चार घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। अंबेडकर नगर के नितिन टेंट हाउस में लगी भीषण आग। दो लोगों की जलकर हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हमीरपुर में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। पति ने पत्नी और ससुर की हत्या। हत्या के बाद गोली मारकर की आत्महत्या। मऊ में अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खेत में ट्यूबवेल पर लगे मोनोब्लॉक पंप को बीते 24 नवंबर को अज्ञात चोर ने चुरा लिया। जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हुए लोग। 6 दिन राहत के आसार नहीं। कई इलाकों में AQI 400 के पार। 10 नवंबर को हुई एक दिन की बरसात से लोगों को थोड़ी राहत मिली थी। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा फैसला। सदन में मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे नेता। नए नियमों के साथ संचालित होगा सत्र। सत्र में नारी शक्ति को मिलेगी प्राथमिकता। बुलंदशहर में पहासू थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लहसुन की लूट करने वाले गिरोह के दो लोगों को किया गिरफ्तार। सीओ शिकारपुर दिलीप सिंह ने घटना का किया खुलासा। बुलंदशहर में भीषण आग का हादसा। आमने सामने से दो ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत। दोनों ट्रक में फंसे हुए हैं लोग। पुलिस प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई MBBS छात्रा की मौत। हॉस्टल के बेसमेंट में पड़ा मिला शव। कॉलेज में मचा हड़कंप। घटनास्थल पर जांच करने पहुंचे DCP विजय ढुल। लखनऊ में समिट बिल्डिंग में शराबी की जमकर हंगामा काटा। युवक ने आत्महत्या दूसरी मंजिल से करने की कोशिश की। शराब के नशे में युवक का जोरदार हंगामा। पीलीभीत में वन माफियाओं के हौसले बुलंद। बाग में 18 से 20 आम के हरे भरे पेड़ों को चलाया आरा। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। संभल में नो नॉनवेज डे पर शफीकुर रहमान वर्ग का बयान। हुकूमत की ताकत के बावजूद भी वे कुछ भी कर ले, हम इनके मजहबी मामले का दखल नहीं देना चाहते हैं। कानपुर में हाईवे पर हुई महिला की हत्या। कुल्हाड़ी और चाकू से किए गए कई वार। प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। दिन दहाड़े हुई हत्या से फैली सनसनी। लखनऊ में वर्ल्ड कप के बाद एक और खेल का आयोजन। बैडमिंटन खिलाड़ियों का होगा जमावड़ा। 18 देशों में 250 खिलाड़ी प्रतियोगिता में लेंगे भाग। लखनऊ में 28 को बाधित रहेगी पानी आपूर्ति। फ्लाईओवर निर्माण के कारण बाधित रहेगी आपूर्ति। निर्माण के कारण पेयजल पाइपलाइन होगी शिफ्ट। हमीरपुर में सनसनीखेज वारदात। पत्नी को जिंदा जलाया। ससुर का सिर पत्थर से कूचा फिर खुद को गोली मार के उड़ाया। मिर्जापुर में शादी से लौट रहे कार सवार चार लोगों की मौत। दो की हालत गंभीर। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई जारी। शादी से 14 दिन पहले दूल्हे की मौत। वाहन ने मारी बाइक को टक्कर। दोस्त की भी गई जान। काट बाट करा रहे थे दोनों।
गहरी नींद में सो गया शुभम, जागती रही माँ, दुलारती रही वर्दी, सीने से लगाए रखी बेटे की फोटो। राज्यपाल की नाराजगी का असर, दोपहर में देखी गंदगी को निरस्त कर दी छुट्टी, कुलपति और डीएम ने रात में लगवाई झाड़ू। लाखों में आ गया राजा भैया की कोठी का बिजली का बिल, संशोधित करके घटाया गया, इतने बिल से भी उपभोक्ता सहमत नहीं है। एनएचएआई के रोड लेवलर ने कुचला, सामने ही तड़प रहे थे केशवधर, अस्पताल ले जाने से पहले ही चली गई जान। जीजा जी ने कर दी हदपार, साली के प्यार में हो गए पागल, शादी को लेकर थाने में हंगामा, बेचारी पत्नी देखती रह गई। ऑगर मशीन के सामने अड़चन, रुका ऑपरेशन, सीएम धामी ने पीएम मोदी को दिया अपडेट। सुरंग के ऊपरी क्षेत्र में पहाड़ी पर ड्रिलिंग में खतरा बरकरार, आश्वस्त नजर नहीं आ रहे विशेषज्ञ, 25 से 30 मीटर का क्षेत्रफल संवेदनशील। बदमाशों ने दिन दहाड़े दो लोगों की गोली मारकर की हत्या, बुजुर्ग की मौत, देर रात आरोपी गिरफ्तार। रंगदारी मांगने के आरोप में संत सहित 7 पर मुकदमा दर्ज, संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप, पूजा शर्मा ने 20 लाख की रंगदारी मांगी। हरिद्वार आयकर विभाग की टीम का कोटद्वार में छापा, 4 करोड़ की टैक्स चोरी आई सामने, फर्म की ओर से जा रही खरीद बिक्री की विस्तृत जांच चल रही है। उत्तराखंड के बारे में 2 प्रश्न पत्र हो सकते हैं शामिल, कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव, आयु सीमा छूट दिए जाने के मसले पर शासन स्तर पर एक बैठक हुई थी। काम नहीं आया जीपीआर का फॉर्मूला, रिपोर्ट के बाद भी बाधाओं ने रोका रास्ता, हैदराबाद से मंगाई गई मशीन। खेल नियमावली में होगा संशोधन, कुछ अन्य खेलों को शामिल करने की तैयारी, नौकरी के लिए यह खेल नहीं है, खेल नीति में शामिल। देश भर में हाथियों के लिए खतरा बने 100 रेलवे ट्रैक, 2 कुमाऊं में, 20 जगहों पर ज्यादा है मूवमेंट। सर्दियां बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, दिसंबर से फरवरी तक रद्द रहेंगी 2 जोड़ी ट्रेनें, लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग सौखे पार चल रही है। ऑपरेशन सिलक्यारा में मशीन नहीं करा पा रही पार, सुरंग में फंसे मजदूर खुद बनेंगे खेवनहार, 2 योजनाओं पर विचार। देहरादून में शुरू हुआ क्रिकेट का रोमांच, वाल्टन की शतकी पारी से जीता मणिपाल टाइगर्स, दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट पे लिए 87 रन जोड़े। जजों की अनिवार्य सेवानिवृत्त मामले में सरकार से जवाब तलब, रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश, आदेश को दी गई है चुनौती। सीएम धामी ने मातली कैंप कार्यालय में निपटाई फाइलें, पीएम मोदी को दी बचाव अभियान की जानकारी, मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू अभियान का निरीक्षण किया। प्रदेश में अवैध और नकली शराब के बढ़ते मामले सरकार के लिए बनी चुनौती, कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, ये राजस्व हित के साथ साथ जनहित का गंभीर मामला है। चीन की मदद से प्रदूषण पर लगाम लगाएगा पाकिस्तान, लाहौर में चीनी टेक्नोलॉजी के दम पर आर्टिफिशियल बारिश करने का लिया फैसला।
पेरिस की इमारत में भीषण आग, 3 महिलाओं की मौत, 1 बच्चा समेत 8 घायल। फायर ब्रिगेड की अधिकारियों को करनी पड़ी मशक्कत। चार दिन से ज्यादा बढ़ सकता है शांति समझौता। घर लौटे 17 बंधक। वेस्ट बैंक में 6 फिलिस्तीनियों की मौत। इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में हमास समर्थकों ने दी 3 फिलिस्तीनियों को सरेआम फांसी। इजरायली सेना को जानकारी मुहैया कराने का आरोप। सीज फायर के बीच लेबनान ने इसराइल पर दागा एरियल ऑब्जेक्ट। इसराइल रक्षा बलों ने नाकाम की कोशिश। साउथ चाइना सी में अमेरिकी जहाज देख भड़का चीन, दी चेतावनी। साउथ चाइना सी में बना हुआ है तनाव। हिंद महासागर में इजरायली जहाज पर ड्रोन से हमला। अमेरिकी अधिकारी ने ईरान पर लगाया आरोप। अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। ब्रिटेन के शाही परिवार में रंगभेदी लोग। मेगन मर्केल का खुलासा, बेटे के रंग पर की थी भद्दी टिप्पणी। नशे में धुत थी महिला, फ्लाइट में खोलने लगी इमरजेंसी गेट। एयरपोर्ट पहुंचने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कराची के शॉपिंग मॉल में भीषण आग, झुलसकर 9 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 1 घायल। सीएनजी और पीएनजी में बायोगैस मिलाना हुआ जरूरी, सरकार ने लिया फैसला। एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ेगा। मार्च में ट्रेडिंग के दिन ही होगा पेमेंट, तत्काल भुगतान। 2025 से सेबी ने किया ऐलान, बढ़ते आईपीओ पर दखलंदाजी नहीं। आईआईटी से आईआईएम होते हुए बिजनेसमैन बने, अब जेल पहुंचे समीक्षा के फाउंडर सुब्रमण्यम, 20 साल की सजा। अमिताभ बच्चन ने बेटी को गिफ्ट किया ये आलीशान बंगला, करोड़ों की कीमत कर देगी हैरान। मशहूर है प्रतीक्षा बंगला। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस होगी इंडिगो। एमओयू हुआ साइन, दिल्ली एनसीआर का तीसरा हवाई अड्डा होगा एनआईए। छुट्टी से होने वाली है सप्ताह की शुरुआत, सोमवार को बंद रहेगा शेयर बाजार। साप्ताहिक आधार पर आई तेजी। आरबीआई ने 3 बैंकों पर लगाया 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, 5 कोऑपरेटिव बैंक भी नहीं बच पाए, कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा असर। भारत पे ने ठोक दिया नया केस, अश्नीर ग्रोवर को मांगनी पड़ी माफी। पिछले हफ्ते ग्रोवर ने एक्स पर पोस्ट की थी डिलीट। वेदांता समूह के संस्थापक अनिल अग्रवाल भोपाल में बताएंगे अपना सफर। 19 की उम्र में किस्मत अजमाने मुंबई पहुंचे, 9 बिजनेस फेल हुए, 10वें में सफलता मिली। IQ 12 5G स्मार्टफोन 12 दिसंबर को लॉन्च होगा। स्नैपड्रैगन 8 जेन और 3 प्रोसेसर के साथ आने वाला भारत का पहला फोन। एक्सपेक्टेड प्राइस 45,000। बेन स्टोक्स के बाद जो रूट ने भी छोड़ा आईपीएल, अगले सीजन में नहीं लेंगे हिस्सा। देवदत्त भी नहीं होंगे रॉयल्स का हिस्सा। गंभीर की टीम के खिलाड़ी ने मचाया बवाल, 10 छक्कों की मदद से बना डाले 100 रन। टीम ने 16.4 ओवरों में ही मैच जीत लिया।
मोहम्मद शमी के सामने पहाड़ी से नीचे गिरी कार, घायल शख्स को मदद देते दिखे तेज गेंदबाज, चालक को ज्यादा चोट नहीं आई। वॉशिंगटन सुंदर और जितेश ने बॉलिंग कोच के साथ की जमकर प्रैक्टिस, मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। सुंदर ने अभी तक 40 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। विराट कोहली की रिकॉर्ड तोड़ने के करीब सूर्य कुमार यादव दूसरे T20 में दिखा सकते हैं कमाल, मोहम्मद रिजवान भी पहले स्थान पर हैं। मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या, एबी डिविलियर्स ने किया बड़ा दावा, गुजरात टाइटंस के लिए कामयाब कप्तान साबित हुए हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने पुराने दिनों को किया याद, कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने लिए क्रिकेट किट खरीद सकूं। आईपीएल 2024 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में हुआ बदलाव, स्टार ऑलराउंडर को ट्रेड कर मयंक डागर को टीम में किया शामिल। रिंकू सिंह के फैन हुए तिलक वर्मा, कहा जिस तरह आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह गेम फिनिश करते हैं उस तरह मैं भी करना चाहता हूं। वो 5 से 6 मिनट जब टीम इंडिया को के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, सूर्य कुमार यादव ने लम्हों को किया याद। सलमान खान के छोटे से फैन ने जीता हर किसी का दिल, स्कार्फ पहनकर सोशल मीडिया पर छाया छोटा टाइगर। एनिमल के ट्रेलर पर सनी देओल का आया रिएक्शन, बॉबी देओल का एक्शन देख बड़े भाई की छाती हुई गर्व से चौड़ी, धड़ल्ले से हो रही है एडवांस बुकिंग। रणदीप हुड्डा ने लिन लैश राम के साथ किया अपनी शादी का ऐलान, वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू तक का कर दिया खुलासा। अमिताभ बच्चन ने बेटी के नाम किया प्रतीक्षा बंगला, 81 की उम्र में 3,390 करोड़ के मालिक अभिषेक ने 3 गुना ज्यादा अमीर हैं ऐश्वर्या। बिग बॉस 17 से एक्टिव हुई पत्रकार जिग्ना बोरा, अंकिता लोखंडे की प्रेगनेंसी पर सस्पेंस हुआ खत्म, जिग्ना बोली उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दारचीज के गाने वावा वूम पर सुहाना खान और अगस्त्य से नंदा की एक के साथ डांस, दिलजीत लेगी केमिस्ट्री। फराह खान ने शेयर की झलक दिखलाया, जा कि बीटीएस मलाइका अरोड़ा, अर्शद वारसी और ऋत्विक धनजानी के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। दिवंगत एक्टर विक्रम गोखले के नाम पर होगी सड़क, हम दिल दे चुके सनम में बने थे सलमान के गुरु, इवेंट पे पहुंचेंगे कई स्टार्स। मुंबई में अकीना रेस्टोरेंट में सेलेब्स दिखे, शहनाज ने लिटिल फैन के साथ पोज दिया, सोनू सूद ने पेपराजी से हंसी मजाक किया। कृति सैनन ने फैन के साथ केक कट किया, फिल्म दो पत्ती की पार्टी में दिखी एक्ट्रेस प्रोड्यूसर कनिका ढिल्लो भी नजर आई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।